हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं आईपीएल 2020 का। तो क्या खास बात थी इस साल के आईपीएल 2020 में जो कि खेला गया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। सबसे पहली बात यह है कि ये टूर्नामेंट इतना खूबसूरती से एग्जीक्यूट किया गया, इतना फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट किया गया कि ताद देनी पड़ेगी बीसीसीआई की, सौरभ गांगुली की और जय शाह की। इस पैंडमिक में जिस तरह से टूर्नामेंट एग्जीक्यूट किया गया है वो वाकई बेमिसाल है। ये एक बेंचमार्क सेट किया है इंडिया ने टू एग्जीक्यूट अ टूर्नामेंट ऑफ दिस स्टैचर, टू एग्जीक्यूट अ टूर्नामेंट ऑफ दिस स्केल विद सच फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन। सो कुडोस टू बीसीसीआई। दूसरी खास बात क्या है इस टूर्नामेंट की, वो ये है दैट द एमर्जेंस ऑफ द यंग इंडियन प्लेयर कंटिन्यूज टू ग्रो। इतने नए इंडियन खिलाड़ी वापस इस टूर्नामेंट में अपना सिक्का दिखा के गए हैं, अपना सिक्का जमा के गए हैं कि क्या कहने, इंडियन क्रिकेट इज क्लियरली इन सेफ हैंड्स। कई सारे खिलाड़ियों ने नाम रोशन किया इस टूर्नामेंट में, जैसे कि ईशान किशन, राहुल तेवातिया, देवदत्त पड़िक्कल, रवि बिश्नोई, ऋतुराज गायकवाड़, नवदीप सैनी, सिराज मोहम्मद एंड द लिस्ट इज एंडलेस। तो सबसे अच्छी बात यह है कि जब से आईपीएल आया है इंडियन खिलाड़ियों को एक्सपोजर मिला है ऑफ प्लेइंग विथ एंड अगेंस्ट द बेस्ट इंटरनेशनल प्लेयर्स, द बेस्ट इंटरनेशनल टैलेंट दैट क्रिकेट हैज़ टू ऑफर। और वही प्रथा चली आ रही है, इस साल भी इंडियन खिलाड़ियों ने, यंग इंडियन खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, प्रेशर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। और ख़ास करके एक खिलाड़ी का नाम लेना चाहूँगा जो मैंने अब तक नहीं लिया है, वो है सूर्य कुमार यादव। बहुत ही सरप्राइज है कि वो ऑस्ट्रेलिया की प्लेन पे नहीं गए हैं एज एन इंडियन प्लेयर, बट कहा जा सकता है कि जल्द ही वो एंट्री लेंगे इंडियन क्रिकेट टीम में। और ये जो लंबी लिस्ट है इंडियन खिलाड़ियों की जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत वेल ऑगर करता है इंडियन क्रिकेट के लिए, इंडियन टीम के लिए। इंडियन क्रिकेट का जो फ्यूचर है वो बहुत ही सेफ हैंड्स में है। जो तीसरी खास बात थी इस आईपीएल की वो ये थी कि ये आईपीएल बहुत यूनिक था इन द सेंस कि सबसे हॉटली कॉन्टेस्टेड आईपीएल था और ये सबसे वन साइडेड आईपीएल भी था। दोनों ही चीज़ें हुई एक ही साल में। और वो आप पूछेंगे किस तरह। सबसे हॉटली कॉन्टेस्टेड ये इसलिए था क्योंकि मुंबई के अलावा बाकी सातों टीम इतनी टक्कर की कॉन्टेस्ट में लगे हुए थे एक दूसरे से कि आपको समझ ही नहीं आया आखिरी मैच तक कि कौन सी टीम सेमीफाइनल तक पहुंचेगी। अगर आप देखें तो सबसे टॉप रैंक टीम थी राजस्थान, उसने भी 12 पॉइंट हासिल किए, और अगर वो केवल एक या दो मैच और जीतती तो सेमीफाइनल में भी हो सकती थी। जैसा कि हमने हमारे प्रीव्यू में कहा था कि राजस्थान कुछ टॉप टीम्स को हराने की काबिलियत रखती है और उन्होंने हराया भी। मेरा सिर्फ ये मानना है कि अगर स्टोक्स राजस्थान की टीम को जल्दी ज्वाइन करते या टूर्नामेंट की शुरुआत में ज्वाइन करते तो शायद राजस्थान डेफिनेटली सेमीफाइनल में आता। बट मुद्दे की बात यह है कि जो 60 टीमें हैं मुंबई को छोड़ के, इनके बीच में बहुत कांटे की टक्कर हुई और बहुत मेहनत मुशक्कत करके इन्हें सेमीफाइनल में आना पड़ा, इसलिए सबसे हॉटली कंटेस्टेड टूर्नामेंट था आईपीएल का। अभी सबसे वन साइडेड क्यों था, वो ये था कि अगर आप मुंबई को इक्वेशन में ले आओ तो शुरुआत से पहले ही मैच से बहुत साफ था कि मुंबई इज़ द टीम टू वॉच आउट फॉर। यही उम्मीद थी और उसी उम्मीद पे वो खरे भी उतरे शुरुआत से ही। उन्होंने लीग मैचेस में भी सबसे ज़्यादा अंक हासिल किए और बहुत ही क्लियर था कि मुंबई विल बी द टीम टू बीट। इनफैक्ट दिल्ली जिसने मुंबई के साथ जितने भी मैच खेले इस टूर्नामेंट में, वो सारे मैच मुंबई से वो हार गई, डिस्पाइट इसके कि दिल्ली ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और वो सेकेंड रैंक टीम थी बहुत क्लियरली इस टूर्नामेंट की। बहुत ही साफ था कि मुंबई इंडियंस में और बाकी की टीमों में लंबा गैप है और फाइनल भी काफ़ी वन साइडेड था, उतना ही वन साइडेड सेमीफाइनल भी था। तो उस लिहाज से ये सबसे हॉटली कंटेस्टेड टूर्नामेंट होने के बावजूद अब तक का आईपीएल का एक तरीके से वन साइडेड भी था, क्योंकि मुंबई इंडियंस जो कि इवेंचुअल चैंपियंस थे इस टूर्नामेंट के, उनको हराना बहुत ही मुश्किल लग रहा था और जो जो मैच वो हारे वो भी वो आसानी से नहीं हारे। चौथी खास बात इस टूर्नामेंट की ये थी कि इस टूर्नामेंट में फास्ट बॉलर्स ने एक कमबैक मारा T20 क्रिकेट में। इस टूर्नामेंट के टॉप 5 विकेट टेकिंग बॉलर्स कौन हैं, कागिजो रबाड़ा, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, आंद्रिक नॉटगिया और यजुवेंद्र चहल।
जैसे कि आप देख रहे हैं टॉप 5 विकेट टेकिंग बॉलर्स में टॉप 4 फास्ट बॉलर्स थे, और फास्ट बॉलर्स का एक बहुत अहम रोल था इस टूर्नामेंट में। बॉल उन्होंने अच्छी स्विंग की थ्रू आउट द टूर्नामेंट, और ये बहुत खुशी मिली देख के कि फास्ट बॉलर्स सिर्फ आके फोर्स और सिक्सेस मारे जाने के लिए नहीं थे, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। उन्होंने बहुत ही अच्छी सीम मूवमेंट मिली उनको इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान, और बहुत अच्छा लगा कि एक अच्छा बैलेंस बना रहा बिटवीन बैट एंड बॉल। तो पांचवी खास बात जो इस टूर्नामेंट की थी मेरे हिसाब से, वो है द इमर्जेंस ऑफ रोहित शर्मा द कैप्टन एंड द इमर्जेंस ऑफ KL राहुल द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। रोहित शर्मा अब 5 IPL टाइटल्स जीत चुके हैं, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। IPL T20 टूर्नामेंट्स में जो होते हैं वर्ल्ड ओवर, उसमें सबसे टाइटली कंटेस्टेड होता है, और ऐसे टूर्नामेंट को 5 बार जीतना कोई आसान अचीवमेंट नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर BCCI चाहता है विराट कोहली पे लोड कम करने का, ऑफ बीइंग द बेस्ट बैट्समैन इन द क्रिकेट टीम एज वेल एज बीइंग द कैप्टन अक्रॉस ऑल 3 फॉर्मेट्स, तो शायद अब उन्हें ज़्यादा दूर देखने की ज़रूरत नहीं है। अब क्लियरली मेरे हिसाब से वक्त आ चुका है रोहित शर्मा का टू टेक ओवर द मेंटल ऑफ कैप्टेंसी इन वाइट बॉल क्रिकेट। इसका मतलब ये नहीं है कि विराट कोहली वाइट बॉल क्रिकेट में अच्छे कैप्टन नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि टेस्ट क्रिकेट भी एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है इंडियन क्रिकेट के लिए। इंडिया को टेस्ट क्रिकेट में अभी भी नए आयाम हासिल करने हैं, और शायद विराट कोहली को फोकस करना चाहिए टेस्ट क्रिकेट में इंडिया को एक और बेहतर साइड बनाने का, और अपनी खुद की भी लॉन्जिविटी एज अ प्लेयर बढ़ाने का बाय इंश्योरिंग के वो बहुत ज़्यादा एनग्रॉस ना रहें कैप्टेंसी में भी अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स, बैट्समैनशिप में भी। कम से कम T20 में तो ये मौका दिया जा ही सकता है रोहित शर्मा को, खास करके ये मद्देनजर रखते हुए कि अगले साल T20 वर्ल्ड कप इंडिया में होने वाला है, और सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा उन्हें कैप्टेंसी को अक्लेमेटाइज होने को। वैसे भी वो एक अच्छे कैप्टन रह चुके हैं, विराट कोहली के एब्सेंस में वो कई बार इंडियन टीम को कैप्टन भी कर चुके हैं और अच्छे रिजल्ट्स भी ला चुके हैं, और अगर धीरे धीरे वो रिजल्ट्स लाते हैं T20 में और डिलीवर करते हैं तो उन्हें वाइट बॉल कैप्टेंसी 50 ओवर्स क्रिकेट में भी दी जा सकती है। देखिए ये भी मानना पड़ेगा कि विराट कोहली भी उतने ही साल कप्तान रहे हैं IPL में, लेकिन उन्होंने एक भी ट्रॉफी जीती नहीं है। एज इंडियन क्रिकेट कैप्टन भी ना उन्होंने कोई वर्ल्ड कप जीता है, चाहे T20 हो चाहे 50 ओवर वर्ल्ड कप हो, ना उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, तो कहीं ना कहीं एक फटीक सा भी आ जाता है। आई थिंक उन्हें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए अपना करियर बढ़ाने के लिए, और उन्होंने कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए टेस्ट क्रिकेट में और अपनी बैट्समैनशिप पर। अब वक्त आ गया है टू लुक बियॉन्ड विराट कोहली एंड टू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ रोहित शर्मा एज अ पोटेंशियल कैप्टन फॉर वाइट बॉल क्रिकेट। और अब ज़्यादा साल नहीं है रोहित शर्मा के लिए भी, आई थिंक अगले 3 से 4 साल अगर उन्हें कैप्टनसी की कमान दी जाए तो वो काफ़ी समय होगा अगले वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के लिए भी। ये मेरा पर्सनल व्यू है, आई वुड लव टू हियर योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इमरजेंस ऑफ KL राहुल जो कि दूसरी बात मैंने कही वो ये है कि KL राहुल ने, वो हाई स्कोरर रहे इस टूर्नामेंट के, 650 से ऊपर उन्होंने रन बनाए इस टूर्नामेंट में, और बहुत ही क्लियर है अब BCCI को बैक करना पड़ेगा KL राहुल को एज अ बैट्समैन अक्रॉस ऑल 3 फॉर्मेट्स। मैं ये मानता हूँ कि आपका परफॉर्मेंस एज अ T20 प्लेयर कोई बेंचमार्क नहीं होता टेस्ट क्रिकेट के लिए, लेकिन हमने देखा कि KL राहुल ने ये रन कितनी आसानी से बनाए इन सच अ क्लासी मैनर, इसमें से कोई भी स्लॉग शॉट से उन्होंने रन नहीं बनाए। वो क्लियरली वन ऑफ द ब्राइटेस्ट टैलेंट्स है इंडियन क्रिकेट के, और अब BCCI का फ़र्ज़ बनता है कि उन्हें प्रॉपरली नर्चर किया जाए। अब वक्त आ गया है कि KL राहुल को टेस्ट टीम में भी एक रेगुलर फिक्स्चर बनाया जाए, और क्लियरली अब के अगले 5 से 6 साल KL राहुल इज़ गोइंग टू बी द टैलेंट टू वॉच आउट फॉर इन इंडियन क्रिकेट, इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडियन क्रिकेट। और जो आखिरी खास बात थी इस IPL की वो ये थी कि टूर्नामेंट शुरुआत होने से पहले हमें काफ़ी डाउट था कि केवल 3 वेन्यूज पे टूर्नामेंट खेला जाएगा ओवर अ 40-45 डे पीरियड, तो पिचेस किस तरह से होल्ड करेंगी। बट आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यूनाइटेड अरब एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड एंड द BCCI फॉर एग्जीक्यूटिंग सच अ फ्लॉलेस टूर्नामेंट, और सारी पिचेस ट्रू रही IPL 2020 के फिनाले तक, लास्ट तक ये पिचेस ट्रू रही, और बहुत ही बढ़िया 2020 की पिचेस रही, और द पिचेस वर फुल ऑफ रन्स, और बॉलर्स को भी बहुत अच्छा मौका मिला इन पिचेस पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट था, इनफैक्ट ऐसे भी मैच हुए जहां 2-2 सुपर ओवर हुए हैं, तो बहुत ही टाइटली कंटेस्टेड मैचेस थे। इतनी अच्छी पिचेस बहुत समय बाद देखने को मिली, एंड दिस वर द परफेक्ट
pitches for 2020 cricket, and so compliments to the UAE Cricket Board, to BCCI, to Ganguly and to Jai Shah once again. And so these were the top highlights of IPL 2020. हम सुनने के लिए उत्सुक हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं IPL 2020 के बारे में. अपने कमेंट्स शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. ऐसे कई सारे वीडियोज़ के लिए हम आपको मिलेंगे जल्द ही. थैंक यू.